वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एचआईवी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एचआईवी को इंग्लिश में इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होती है और इसको हिंदी में मानव प्रतिरक्षा वायरस कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा एचआईवी क्या होता है, एचआईवी कैसे फैलता है, एचआईवी का डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे प्रिवेंशन होती है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अगर किसी को हो जाए तो दूसरे तक ट्रांसमिशन को वो कैसे रोक सकता है। दोस्तों एचआईवी क्या होता है पहले इसके बारे में बात करें तो एचआईवी जैसे मैंने बताया एक वायरस होता है और इस डिजीज़ में क्या होता है इंसान जो होता है एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। ये वायरस आदमी के इम्यून सिस्टम को या रोगों से लड़ने वाले रक्षा तंत्र को इतना कमज़ोर कर देता है जिससे क्या होता है इंसान वह जो छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक से ग्रसित हो जाता है क्योंकि इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर सिम्टम जो होते हैं ना इसके जो तीन स्टेजेस में हैं। पहली जो स्टेज होती है दोस्तों 0 से 4 इयर्स तक होती है, दूसरी स्टेज 4 से 10 इयर्स और थर्ड स्टेज जो होती है जो एड्स की स्टेज है वो 10 इयर्स से ज़्यादा समय में होती है। अगर इसकी फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स की बात करूँ तो सर में दर्द लगभग बना रहता है, बुखार जो होता है 103 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या बुखार जो होता है वो लगभग 30 से उससे ज़्यादा दिन तक बना रहता है। गले में जनरली खराश, नज़ला, जुखाम की ये कंडीशंस नॉर्मल रहती है और इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर एलर्जी डेवलप हो गई हो कि मतलब बार बार खांसी जुखाम उसको बना रहता है। अगर लेडीज़ में हम जनरली बात करें तो वेजाइनल ब्लीडिंग और मांसपेशियों में दर्द बहुत कॉमन होता है तथा इसके साथ दोनों पुरुष और स्त्री दोनों को क्या होता है उल्टी, दस्त तथा थकान इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करते हैं। दोस्तों दूसरी स्टेज जो होती है 4 से 10 इयर्स की होती है, जनरली इस स्टेज में ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं क्योंकि अगर इंसान ने ट्रीटमेंट ले लिया होता है तो अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। अगर थर्ड स्टेज की या जिसको एड्स की स्टेज बोलते हैं दोस्तों ये लगभग 10 साल के बाद होती है। इसमें क्या होता है कि मुंह और त्वचा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मुंह में अल्सर हो जाना, टंग के ऊपर वाइट लेयर एक सी जमा हो जाना तथा उसके साथ साथ में स्किन में बहुत सारे पिंपल्स, मतलब पीठ पे, पेट पे तथा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ के आसपास में बहुत सारे जो आप देखेंगे दाने से महसूस होते हैं तथा इंसान का वजन धीरे धीरे घटने लगता है और उसको जो बीमारियां होती हैं इम्यून सिस्टम कम होता है, इस वजह से उसको टीबी, हर्पीज तथा इवन कैंसर तक हो सकता है। और जनरली इस डिजीज़ में ही पाया गया था कि इंसान को रात को पसीना भी आता है। उसके साथ साथ में दोस्तों जब इन्फेक्शन होगा तो जिस वजह से क्या होता है कि गले में और बगल में गांठ हो जाती हैं जो हाथ लगाने से तथा काफ़ी बार क्या होता है कि वो ऊपर से भी विजिबल हो जाती हैं। अगर एचआईवी की बात करें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है तो जैसे आपको पता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेक्स किसी फॉर्म में उधर योनि मतलब वेजाइना से, एनल रीजन से या ओरल से किसी भी तरीके से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल का ब्लड किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को भी पहुँच जाता है तो उससे भी हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स अगर आपने किसी किसी व्यक्ति का मतलब एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति का आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर हुआ है जैसे लीवर या दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा इंट्रावेनस ड्रग मीन जो आईवी ड्रग्स या बोतल चढ़ाई जाती हैं ग्लूकोज की, उसके ज़रिए भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ से बच्चे को भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मतलब मीन प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है या डिलीवरी के दौरान अगर ब्लड का मिक्सिंग हो जाए। तीसरा जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके द्वारा भी हो सकता है। दोस्तों मैं सारी आगे भी इसका सॉल्यूशन की भी बात करूंगा इस वीडियो में। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा आज कन्फ्यूज़न यह है कि एचआईवी को लोग ये सोचते हैं कि एचआईवी और एड्स दोनों सिमिलर ही होते हैं। दोस्तों एचआईवी और एड्स दोनों में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि एचआईवी एक इन्फेक्शन होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो एड्स में परिवर्तित होगा। दोस्तों केवल 10 से 15% रोगी जो होते हैं रोगी वो एड्स में कन्वर्ट होते हैं अगर वो ट्रीटमेंट ना लें। और एक चीज़ और बात है कि दोस्तों एचआईवी या एड्स से कोई ग्रसित भी है वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर वो ट्रीटमेंट ले ले। और दोस्तों कब एचआईवी एड्स में परिवर्तित होगा तो इसका सबसे पहला चीज़ यह है कि देखिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो उसके वायरस को एक्शन में आने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं, मतलब वायरस को डेवलप होने में 6 हफ्ते लगते हैं जिसको विंडो पीरियड कहते हैं। इस दौरान व्यक्ति के अंदर कोई सिम्टम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद
अगर हम बात करें कि एचआईवी से एड्स कब कन्वर्ट होता है, तो इसे 10 से 15 साल तक लगता है। बट जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग 0 से 4 ईयर्स में दिखाई देते हैं, जो स्टेज वन के सिम्टम्स मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। आपको क्यों करवाना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को एचआईवी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। कब कब करवाना चाहिए? यदि आपके कोई भी कोई आपने बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स किया है, या आपने आपके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर हैं, या आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स किया जिसके बारे में आपको एचआईवी स्टेटस नहीं पता है, या फिर दोस्तों कि आपने कभी भी कोई ऐसी सुई वगैरह का इस्तेमाल किया है या सिरिंज का इस्तेमाल किया जो पहले से यूज़ की गई थी दोस्तों। उसके साथ साथ में चौथा है कि आपको बार बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर डिजीज़ हो रही है, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर मैंने दूसरा वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जैसे लाइक टीबी, हेपेटाइटिस, हर्पीस है, तो भी आपको ये करवाना चाहिए, क्योंकि इन टीबी, हेपेटाइटिस या हर्पीस के कंडीशन में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम ही होती, तभी ये जनरली बीमारियाँ होती हैं। प्रेगनेंसी की योजना, अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, मतलब प्रेगनेंसी की योजना बना रहे हैं तो, या कंसीव करने की योजना बना रहे हैं, तो उससे पहले करवा लीजिए एचआईवी टेस्ट, क्योंकि दोस्तों ये मदर से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों है कि आप शादी से पहले एचआईवी स्टेटस अपना ज़रूर करवा लें, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। इसका कारण है यह कि एचआईवी अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति की भी हो जाएगा, इस वजह से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आप छुपाइए नहीं चीज़ें, और अपने आप जो है ना एक बार एचआईवी जो टेस्ट है ज़रूर करवा लीजिए। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं मैं आपसे अगली स्लाइड्स में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट आप जो है ना, कभी आपने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, या आपने कोई सिरिंजेस वगैरह का यूज़ करा, तो उसके आप 6 हफ्ते के बाद जो आप टेस्ट करवा सकते हैं, एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बाय एलाइजा टेक्निक। ये दोस्तों महंगा टेस्ट नहीं होता, 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का टेस्ट होता है, जो आप करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 6 हफ्ते से पहले ही टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए आप एचआईवी आरएनए पीसीआर करवा सकते हैं, जो 1 हफ्ता बाद एक्सपोजर के आप करवा सकते हैं, या P24 एंटीजन टेस्टिंग जो होता है आप 2 से 4 हफ्ते के बाद करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो रहा हो और आप 6 हफ्ते का इंतज़ार ना कर सकें, तो आप पहले भी करवा सकते हैं दोस्तों। चाहो इन तीनों टेस्टों में से कोई पॉजिटिव आए या निगेटिव आए दोस्तों, बट आपको जो है ना इसका कन्फर्मेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा। वो किससे होता है? उसके लिए आपको दोस्तों एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट बाय वेस्टर्न ब्लॉट टेक्नोलॉजी से करवाना पड़ेगा दोस्तों। ये 3500 रुपये का लगभग टेस्ट होता है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको एचआईवी है कि नहीं है। अब आपको अगर एचआईवी हो गया है, यदि मदर को एचआईवी है, तो उस अपने बच्चे को ट्रांसमिशन होने से कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए मदर को दोस्तों मेडिसिन लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस वजह से बिफोर प्रेगनेंसी एंड बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे क्या होगा, बच्चे में ट्रांसमिट होने से बच सकता है। अगर किसी को है तो दे कैन गो फॉर द सिजेरियन डिलीवरी। उसके साथ साथ में जो भी बेबीज जो होगा एचआईवी से अगर बॉर्न हुआ है, तो उसको बेबीज को भी डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते के बाद जो होगा मेडिसिन शुरू होगी। और एक और भी कर सकते हैं कि जो बच्चे को है कि ब्रेस्ट मिल्क मदर्स का नहीं देना है, उसकी जगह अल्टरनेटिव जो मार्केट प्रिपरेशंस हैं उसको दिया जा सकता है दोस्तों। बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि एचआईवी छूने से फैलता है, पसीना, कीड़े, जानवर, टैटू की नई सुई के साथ में, टॉयलेट सीट, टूर हैंडल कटनी। तो दोस्तों ये मैंने 7 मिथ्स यहाँ पर दे रखे हैं। एचआईवी इस तरीके से नहीं फैलता है, और ज़्यादातर आप लोगों को इसके बारे में पता भी है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एड्स के लिए कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। मीन्स अगर आप किसी को एड्स हो गया है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिससे आप अपना पूरा जीवन सही से जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसका एड्स ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दोस्तों क्या करता है कि ये जो ट्रांसमिशन और कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसमिशन को कम कर देता है, उसके साथ साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस उससे रिलेटेड होती हैं और गंभीर बीमारियां होती हैं, उसको भी कम कर देता है। और ये एक दूसरे से दूसरे के में ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बताया, वो तो कम करता ही करता है, साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी ख़त्म कर देता है दोस्तों।
दोस्तों अगर या इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो अपने एचआईवी स्पेशलिस्ट और लीडिंग फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा मैंने कहा, याद रखिए कि आप एचआईवी की प्रिवेंशन करेंगे तो आप खुद भी बच सकते हैं और दोस्तों दूसरे को भी एचआईवी होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइक कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।